अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, जो कि विंडोज़ सर्वर 2019 और विंडोज़ सर्वर 2016 इन दोनों के ऊपर इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहेंस सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन करना लाजमी है। तो अभी सबसे पहले हम जाते हैं विंडोज़ सर्वर 2019 पे। इसको मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, मे बी दोबारा से लॉगिन करना पड़ जाए। जस्ट वेट अ सेकंड। जी, तो सबसे पहले हम आते हैं विंडोज़ सर्वर 2019 पे। इसको मैंने लॉगिन कर लिया है और इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके देन आना है सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर पे क्लिक किया, सर्वर मैनेजर ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डैशबोर्ड के ऊपर जाके कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे लोकल सर्वर के ऊपर क्लिक किया, देन ये इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी तरफ ऑन होगा। जब आप विंडोज़ सर्वर 2019 जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पे जब आप इसकी सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे ऑन लिखा आएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे जस्ट इसको ऑफ करना है। ऑन रिकमेंडेड ऑलरेडी होगा, आपने ऑफ करना है और ये ऑफ करके इसको ओके करना है। जब इसको ओके कर देंगे तो ये कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली सेटिंग सेव हो जाएंगी। कुछ देर लगेगी तो उसके बाद यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। तो ये सर्वर की कुछ सेटिंग्स है, तो ये लाजमी करनी है क्योंकि हम इनके बगैर हैकिंग के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये जब तक हम इनकी सिक्योरिटी को हम क्लोज़ नहीं करेंगे, तब तक हम इसके हैकिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह हम दूसरे विंडोज़ सर्वर 2016 पे जाते हैं, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, देन सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो रहा है। लोकल सर्वर के ऊपर क्लिक किया, देन हमने यहाँ पे आना है इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि ये ऑलरेडी ऑफ है, तो मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, इसको भी ऑफ करना है और ऑफ करके और इसको क्लोज़ करना है। ओके, देन इसको क्लोज़ करना है। तो ये थी बेसिक सेटिंग, इसको कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहेंस सिक्योरिटी इन विंडोज़ 2019 एंड 2016। ये दोनों विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनके ऊपर ये हमने लाजमी तौर पे ये ऑफ़ करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि IIS कैसे इंस्टॉल करते हैं, या फाइल सर्वर्स, और इसकी हम रोल्स कैसे ऐड करते हैं। तो सर्वर्स के अंदर कुछ रोल्स ऐड करने पड़ते हैं, कुछ फीचर्स जो ऑलरेडी जो हैं वो इनेबल नहीं होते, तो हमें कुछ ऐड्स करने पड़ते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, कोई हमने इसको रिमोटली एक्सेस करना है या रिमोटली कुछ फीचर्स देने हैं, तो ये जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी है, तो एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स ऐड करने पड़ते हैं। इसी तरह हमने कुछ रोल्स ऐड करने हैं, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहेंस सिक्योरिटी को हमने ऑफ़ किया। तो ये दोनों ऑफ़ करना लाजमी थे, दोनों सर्वर्स के अंदर ऑफ़ करना लाजमी थे।